जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। अभी जस्ट हम लोग वार्म अप करने जा रहे हैं। वार्म अप कैसे होता है इसको आइए हम देखते हैं कि वार्म अप कैसे किया जाता है। इसको करने से आपको लाभ होगा कि ना आपका पैर भरेगा, ना आपका पेन होगा किसी प्रकार का, और आपको बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाइए। बॉडी को पहले धीरे धीरे वार्म अप कीजिए, उसके बाद में रनिंग कीजिएगा तो आपका रनिंग भी काफ़ी अच्छा होगा परफॉर्मेंस। चलो सबसे पहले बॉडी को सीधा रखो, धीरे धीरे हाथ को उठाओ, सांस को हल्के में हैंड लो, अप माइंड को फ्री करो, उसके बाद वार्म अप करना है। इस जितना भी टेंशन है जो जहाँ पे है वहाँ खत्म करो, ठीक है। चलो स्टार्ट। स्टार्ट। पैर देखो कैसे है। वट को सीधा रख, हाथ पैसे रख, स्टार्ट। And off. Start. Clockwise. Anti-clock. Change. Ek clock, ek anti-clock. जिसको क्लॉक करा है उसको एंटी, क्लॉक उल्टा करो उसको। Okay.
Normal. What is the speed? Change. Start. Down. One, two, down. Now, down. Change. Start the car. That's okay. Okay? हाथ को उठा सूरा डाउन चेंज योर लेग चेंज हाँ सुन नहीं ऐसे लग करो स्ट्रेच आप कैसे पकड़े ऐसे लग करो तब ऐसे सीधा यहाँ सीधा रखो कितने उसके बाद में स्ट्रेच करो चेंज चेंज change I said that.
बैकग्राउंड पूरा क्या पूरा स्क्वाड कैसे रख, देखो कैसे रखें चेंज ऐसे इसको आगे ला इसको वेट को जैसे स्क्वाड पड़ता है कुछ गड्ढा उड्ढा में तो नहीं जख्म होगा। पीछे बैक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऊपर का पैर अप डाउन अप डाउन अप डाउन चेंज अप डाउन अप डाउन बॉडी फिट है। चलो ऐसे ऐसे करके जाओ और कपड़ा खोलो जल्दी चेंज करके करेंगे तो सभी कपड़ा पहन के करेंगे, कपड़ा सब खोल कर ही रनिंग करना है। चलो जस्ट अभी वार्म अप हम लोग किए, वार्म अप करके उसके बाद में सभी लाइन अप लिए ठीक है पोजीशन। अब हम उसके बाद अपना वर्कआउट करा रहे हैं जो डेली रूटीन में कराते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन प्रैक्टिस होती है, 1 दिन संडे को योगा होती है और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। 6 दिन जो प्रैक्टिस होती है 6 दिन का रूटीन अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। रूटीन अलग है, वार्मअप का वार्मअप भी अलग है, जैसा रनिंग होगा वैसा वार्मअप कराते हैं। उसके बाद में जैसा उसके बाद में आपका ड्रिल व्रिल जितने भी वर्कआउट होते हैं जो कराए जाते हैं वो सभी इसमें शामिल है। प्रतिदिन चेंज करके एक्सरसाइज कराया जाता है, सेम एक्सरसाइज नहीं कराया जाता। कभी एबीसी ड्रिल होता है तो कभी कोर वर्कआउट होता है, कभी लेग वर्कआउट होता है, कभी थाई वर्कआउट, सभी दिन अलग अलग वर्कआउट होते हैं। तो आइए अभी जो आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे के रूटीन में तुम्हारा कैसा मिले? पहला 1000 मीटर टाइमिंग कितना है 1000 मीटर का? 3:45। उसके बाद सेकेंड में क्या है 800 मीटर क्या है, उसका टाइमिंग कितना है 2:25। नेक्स्ट क्या है 200 का कितना है 6, 200 का 6 है ठीक है, तो तुमको 6 200 भागना है। उसके बाद में आपका क्या है एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हो उसके बाद में क्या है स्ट्रेचिंग है, कूल डाउन है, जो होता है वो होगा। तो आइए हम पहले 1000 का ट्रायल लेते हैं, 1000 का पहले। चलो कोई भी समस्या होगा तो हम यहाँ पे खड़े होंगे, आप हमको प्रॉब्लम बताइएगा उसको सॉल्व होगा, उसके बाद रनिंग करना है। लगातार आपको प्रॉब्लम में रनिंग नहीं करना है ठीक है, आपको हम चलते चलते सॉल्व हो जाने वाला होगा तो दौड़ते दौड़ते सॉल्व करवाएंगे और नहीं तो रुका के सॉल्व कराएंगे, तो उसके बाद आपको फिजिकल करना है ठीक है। सभी लोग फिट है? यस सर। चलो
अभी जस्ट हम लोग 400 का ढाई राउंड मारे, 1000 कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हम अब क्या करेंगे, 400 का दो अर्थात 800 का है, ठीक है जस्ट कितना चलो साहब 4 फुट लैंडिंग करेगा, 4 फुट ओनली 4 फुट लैंडिंग, फ्लैग फुट लैंडिंग कोई नहीं करेगा। टेम्बुल कसबुल 40 40 42 43 44 45 46 ये पा हां स्टार्ट चल 1 मिनट टेस्ट जल्दी पेन इधर हो तो इसको दबाओ, ठीक है, यहाँ पर जितना पेन होगा समझिए कि वहाँ पे उतना पेन होगा, 100% इसको लंबा कैसा अभी हम जस्ट 800 लगाए, 400 का ट्रैक पर दो राउंड, अब हम 300 का ट्रैक पर वहां तक जाएंगे 200 मीटर वहां से ऐसे वार्म अप करके हम आएंगे और आकर रनिंग कर जाना, ठीक है, कौ गो है 200 का 6 गो है, 200 का कौ गो है 6 गो, ठीक है, पूरा तेज उखाड़ के जाना है, जितना स्टेमिना स्टेप पावर सब लगा दो, 200 मीटर पूरा उठ के जाना है और वहां से 100 मीटर आपको नॉर्मल वार्म अप करके, ठीक है, मेरा सही क्रम होगा 6 बॉडी फिट है चलो पूरा
उठा सीधा रख, उठा सीधा रख, जल्दी लाइन लिया है कि हमको पाना है तो नींद पड़वे नहीं करेगा, चार बजे तीन बजे नींद टूट जाएगा। दूसरी नंबर बात, यदि तुम दौड़ रहे हो पैर तुम्हारा लड़खड़ाएगा, मान सकते हैं कमर पेन होगा, सब दर्द तो करेगा, लेकिन यदि तुम मंजिल दिखाई देगा तो सब दर्द खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखो। और तुम्हें केवल लक्ष्य दिखाई देगा कि क्या कर रहा है, यस सर, मन में आ रहा है, यस सर, ठीक। तो ध्यान को केंद्रित करो यहाँ कि हमको कहाँ फिनिशिंग देना है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दो को हमको याद रखना है दौड़ने के समय, उसके बाद में दुनिया के कोई चीज हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। मंजिल, यदि पैर दर्द करता है, यदि मंजिल पर तुम्हारा माइंड रहेगा तो दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द होगा कब होगा, जब मंजिल तुम्हारा पालोगे। इसीलिए पॉइंट, दिमाग सब चेक पर रखो, बॉडी फिट है, दोनों पैर से वापस ड्राम कर, धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दोनों पैर आगे, चलो दोनों हाथ सटा के आगे बढ़, धीरे धीरे बढ़ पूरा, दिल सटाने की कोशिश कर, बस होल्ड कर, दिल सटाने की कोशिश कर, स्नोविंग धीरे धीरे पैक, घुटना सीधा रहना है, मुड़ना नहीं है, घुटना मुड़ना नहीं है, धीरे से आपको दोनों हाथ उठा, हैंड लॉक अप, डाउन, हील को उठा, चिमूर को उठा, ऐसे अप, डाउन, डाउन, दौड़ दौड़ छोड़ना नहीं है, बस दौड़ना है, जो भी दिक्कत होगा हम छोड़ करेंगे। ठीक है, अभी कितना हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है, तीसरा 200 मीटर, ठीक है, ठीक है, चलो कोशिश कर, तो पीछे भागना है, इसको लेकर चल, ये कितना हुआ, लास्ट है, समान 200 मीटर।
इसके बाद में आप कितना मारेगा? पांच हो जाएगा। दो और है, सेकंड लास्ट है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में भागो, ठीक। किसी का आर्मी में एक नंबर स्थान नहीं है, बिहार पुलिस में हमको 100 मार्क्स चाहिए। जैसे भी चलो बेटा, चलो रुको, चल 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 अपने बॉडी को सेव रखकर ही दौड़ना है, ठीक है। और जितना एनर्जी है, स्टेमिना, पावर सबको झोंको। आज का मेहनत कल तुमको निखार लेगा, ठीक है। चलो फिर से लास्ट है ना, ठीक है। तुम एक्सरसाइज कराते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ऐसे पहले भी वीडियो डाल चुके हैं एक्सरसाइज का। उसके बाद एक्सरसाइज होने के बाद हम लोग कूलिंग डाउन कराएंगे। बस आज का